और ये जो धनिए का रस है बनाना, ये जिगर और गुर्दों को फिल्टर करने के लिए बेहतर है गर्मी से। ये इससे मरना ताकत खत्म नहीं होता, यानी ये एक हफ्ते में एक दिन नाक में डालना। नहीं हफ्ते में नाक में नहीं, नाक में तेल, नाक में तो रोजाना डालना, रोजाना डालना है पीने के लिए है ये वो धनिया का। यानी यही तेल नाक में डालना रोजाना एक। अच्छा धनिया जो कि ठंडा है लेकिन जैतून का तेल गर्म वो मुतदिल हो जाएगा। नाक में डालने का क्या पीने का धनिए की गड्डी और एक नींबू, इसको धनिए की गड्डी के चार टुकड़े करो छुरी से और एक लीटर पानी में डाल दिया जाए, उसको पका के तीन गिलास रह जाए पानी, यानी कि एक किलो में 750-700 ग्राम पानी रह जाए। अब उसको छान लिया जाए और छानने के बाद फिर उसके तीन गिलास पिए जाए सुबह दोपहर शाम करके एक दिन हफ्ते। तो ये जिगर की हरारत को, जिनको हाथ पैर जलते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है उनके लिए नींबू का नींबू भी डालना है उसमें। निचोड़ना नहीं है, निचोड़ना नहीं पका, चार टुकड़े करके वो डाल दें एक लीटर पानी में और एक गड्ढी धनिए की डाल दें और उबाल लें तो फिर छान लें, छानने के बाद हफ्ते में एक दिन सुबह दोपहर शाम। अच्छा मियाँ जिगर पे सोजन आ जाती है, सब बेहतरीन नहीं है। देखे जिगर जो फूलता है ना हमारा तो वो हरारत की वजह से हरारत की जाती होती है तो बदन जिगर फूलने लगता है जिससे जिसको आप बर्फ कह देते हैं। आई ना मतलब जब हम ये पीते ही तो दाल खाया जाता है और ये एक किस्म की जिगर की टकोर है। हफ्ते में एक दफा हो जिनको ज्यादा हरारत रहे वो हफ्ते में एक दफा पिए, इसको बहुत ज्यादा नहीं पीना पड़ता था 2 से 3 महीने बिल्कुल जिगर के सारी चीजें लेवल पर आ जाती। अच्छा ये गुर्दों को भी फिल्टर करता है साथ में और गुर्दों को जो फिल्टर का निजाम है ना इसको बेहतर करता है। ये मालूम के साथ ये बात सुनी है कि धनिया को अगर पानी पिला दिया जाए किसी को तो उसकी मर्दाना ताकत को ख़त्म कर। ये तो लोगों ने उड़ा रखी है। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है इस चीज़ की, क्रिएटिनिन जिनका बढ़ा हुआ उनको भी बेहतरीन साफ करता है। पनीर भी नुकसान नहीं है, पनीर अगर पनीर बहुत बेहतरीन चीज़ है अगर पानी पिया जाए। असल में बस बात ये है कि पहले ये देखने वाली बात होती है कि आदमी की हरारत अगर असरदार से बढ़ गई तो उसको ये काम करना चाहिए ताकि उसको इतदार करें। इसकी अलामत क्या है? हाथ पैर जलना हो, हाथ पैर का जलना, घबराहट, बेचैनी रहना, पसीने आना, आई ना समझ बात, और कोई भी चीज़ हम खाएं वो जलन पैदा करना, तेजाबियत का पैदा होना, इन सब चीज़ों को फायदा करता है। बुखार होना ज़्यादा ये भी होती है। बुखार होने का अलग मैटर है या हर वक्त हाथ पैरों का गर्म रहना।